Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू testbook.com. यस गाइस, कैसे हो सब लोग? सबसे पहले बताइए भाई, आवाज आ रही है सबको? कल आवाज का ही बहुत बड़ा इशू था कि जो नियर अबाउट 20-25 मिनट सॉल्व नहीं हो पाया था, एंड दैट्स व्हाई वी वर नॉट एबल टू गो लाइव यस्टरडे. बट मैंने उसके नोट्स टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए थे, तो मेरे ख्याल से आज आवाज सही आ रही होगी. यस, एक बार बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर. यस गाइस, आई एम ऑडिबल? ओके, चलो बढ़िया. थैंक यू वेरी मच फॉर योर अपडेट अर्चना, जसिंडा, यस अरविंद, रोहित, यस थैंक यू वेरी मच. सो गाइस, विल स्टार्ट विद अवर सेशन. कल के नोट शायद आप लोगों ने देखे होंगे, तो अगर जिन्होंने नहीं देखे एक बार गो थ्रू कीजिएगा. कुछ दो तीन क्वेश्चन है कल के नोट्स को लेके हमारे दोस्तों ने पूछे हुए, सो आई विल गिव द आंसर्स ऑफ दोस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल, सुदान के अंदर मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है, ये आपको पता होगा, कल के नोट्स के अंदर भी मेंशन किया था. तो मेरे ख्याल से अनिशा जी ने क्वेश्चन पूछा भाई कि सुदान और म्यांमार की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेम है कि नहीं है. कि देखिए, सेम तो नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियसली कुछ डिफरेंसेस होते हैं, हर कंट्री अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करती है, पर जो बेस है वो बेस लगभग सेम तरीके से वर्क कर रहा है कि मिलिट्री टेक ओवर कर सकती है. बाय द वे, आज की न्यूज ये है कि सुदान को वर्ल्ड बैंक जो फंडिंग प्रोवाइड कर रही थी वो फंडिंग रोक दिया है, अब फंडिंग उनको नहीं मिलेगा. जैसे अफगानिस्तान का फंडिंग रोक दिया गया था, वैसे सुदान का भी फंडिंग अभी फिलहाल वर्ल्ड बैंक ने रोक दिया है. दूसरा, ग्रीन डे अहेड, ये कंसेप्ट कल के नोट्स के अंदर डाला हुआ था. ग्रीन डे अहेड का मतलब है रिन्यूएबल एनर्जी, अगर आपको चाहिए तो आप पहले से उसको परचेस कर सकते हैं, पहले से आप उसको ऑर्डर कर सकते हो. जैसे हम लोग ई कॉमर्स कंपनी से सामान खरीदते हैं ऑर्डर देते हुए, वैसे अगर फॉर एग्जांपल सपोज किसी स्टेट को रिन्यूएबल एनर्जी खरीदनी है या उनको चाहिए या किसी कंपनी को चाहिए, तो पहले से ऑर्डर कर सकते हैं, पहले से वो उसके लिए एक एग्रीमेंट या ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, उसको ग्रीन डे एनर्जी अहेड ये कंसेप्ट दिया गया है. बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, जिससे इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड ये काफी हद तक बढ़ जाएगी. सुप्रीम कोर्ट केसेस को या सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट केसेस को स्क्वैश कर सकता है, अगर इफ दे फील कि यस वो जो केस है वो सही तरीके से नहीं प्लेस की गई है. सो यस एग्जैक्टली, दे कैन कैंसल दोस केसेस को कैंसल कर सकते हैं. ये पॉइंट वहां पे होता है. ओके, तो ये कुछ पॉइंट है दोस्तों जिसके ऊपर हमें डिस्कस करना था. स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और बात करेंगे आज के मोटिवेशनल कोट की. तो गाइस, ये रहा मोटिवेशनल कोट आपके सामने. जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो हमेशा असंभव लगता है. ये बड़ा बेहतरीन सा कोट है, कलाम साहब का कोट है, कि जब तक हम किसी काम को करते नहीं है, उसके अंदर एंटर नहीं करते, उसको कंप्लीट करने के लिए जद्दोजहद नहीं करते, तब तक उसको असंभव ही लगता है. तो वैसे एग्जाम के साथ भी होता है, वैसे बहुत बार किसी सब्जेक्ट के साथ भी होता है. कोई सब्जेक्ट हमें बड़ा डिफिकल्ट लगता है कि अरे सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, असंभव है ये क्लियर करना, क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत नहीं की, आपने उसके लिए एफर्ट्स नहीं लिया. तो सॉरी, नेल्सन मंडेला साहब ये कहते हैं कि मंडेला साहब का कोट था, वेरी सॉरी फॉर दैट. ओके, तो मंडेला साहब ये कहते हैं कि कोई भी काम यह वो मीन्स आप असंभव, ऐसा कोई काम होता नहीं है, हर काम आप कंप्लीट कर सकते हो. कलाम साहब की भी यही सोच थी, अटल जी की भी यही सोच थी, महात्मा गांधी जी की भी यही सोच थी, तो सारे बड़े लोग इसी सोच के भरोसे आगे बढ़े और जो इम्पॉसिबल था वो उन्होंने करके दिखाया. तो ये पॉइंट यहां पे याद रखिएगा, ठीक है? चलो गाइस, आगे बढ़ेंगे इसी सोच के साथ और जो इम्पॉसिबल उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. पर अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो डे बिफोर यस्टरडे हमने देखे थे, उन क्वेश्चंस के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं. महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप फेज टू रिसेंटली किसने लॉन्च किया? तो महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप फेज टू, इसको रिसेंटली किसने लॉन्च किया, ये क्वेश्चन यहां पे पूछा गया, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए. यस गाइज, यस सीडीएस लेवल को भी आपको हेल्प करेगा, बिल्कुल. यस, नेल्सन मंडेला डे 18th of July. रितु जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया कमेंट सेक्शन के अंदर. यस, आंसर इज धर्मेंद्र प्रधान साहब की, यहाँ पे बात की जाएगी. धर्मेंद्र प्रधान साहब जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके अंडर या स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी उन्हीं के पास है. तो महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप की यहाँ पे बात की जाएगी, एंड ही लॉन्च दिस रिसेंटली. ओके, तो 2 साल का ये फेलोशिप का प्रोग्राम है जहां पे आईआईएम्स इन्वॉल्व रहेंगे. पहले फेज में पहले फेज के अंदर भी आईआईएम्स का इन्वॉल्वमेंट था, सेकंड फेज के अंदर भी आईआईएम्स के साथ यहाँ पे क्लासरूम टीचिंग दी जाएगी, और बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप जाके काम कर सकते हो, वहां पे भी आपको गाइडेंस मिलेगा. तो यस, आईआईएम के इन्वॉल्वमेंट के बाद इसको शुरू किया गया, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप, याद रखिएगा.
चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आपके सामने, फॉर बेटर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमन शी यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड एज अ साथ साथ अब और भी पास इन अक्टूबर 2021। एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया एंड दिस इनिशिएटिव इज अंडर, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे शी नाम का एक यूनिट है उसके अंदर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, तो मुझे बताइए ये इनिशिएटिव एग्जैक्टली किसका है। यस गाइस, या आंसर इज एब्सोल्यूट राइट, हैदराबाद पुलिस स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव, हैदराबाद पुलिस का इनिशिएटिव है एंड इनिशिएटिव बहुत बढ़िया है कि ये इनिशिएटिव एक्चुअली पहले भी स्टार्ट किया गया था रिगार्डिंग द शी यूनिट। इनके इस इनिशिएटिव के बाद अलग अलग स्टेट्स के अंदर, अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर ऐसे यूनिट्स बनाए गए जो महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए काम करेंगे। सो वन ऑफ द वेरी गुड इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय हैदराबाद पुलिस डिपार्टमेंट। Yes, guys, आगे क्वेश्चन और है हमारे सामने, क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हैज अनाउंस दैट इट विल कट इट्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 50% बाय विच ईयर। अभी यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का भी कहना है कि वो भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करना चाहते हैं, तो बाय विच ईयर दे वांट टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। चलो इसका आंसर दे दीजिए, हमने डे बिफोर यस्टरडे के ऊपर बात की थी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, थॉमस बैच इसके हेड है, इसके इंचार्ज है। इनके ऊपर अभी रिसेंटली एक बैंकिंग एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, हमने बात की थी। पंकज सर ने भी इस टॉपिक के ऊपर आपके साथ बात की थी, ऐसा हमारे एक दोस्त ने भी कहा था, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। सो यस, आंसर इज 2030 बाय 2030 तक इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ये अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करना चाहती है। थॉमस बैच ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के हेड है, ये फेंसिंग तलवारबाजी जिसे कहते हैं उस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं और खुद एक गोल्ड मेडलिस्ट भी है, तो ये अभी फिलहाल इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी को हेड कर रहे इंचार्ज है। यस, एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया दोस्तों। 2024 के ओलंपिक गेम्स जो होने वाले पेरिस के अंदर, उसको भी कार्बन फ्री करने की उम्मीद यहाँ पे जताई गई है। भले टारगेट 2030 रखा है, पर उनका यह कहना है कि 2024 का जो पेरिस ओलंपिक गेम्स है वही पे हम लोग कार्बन फ्री होने की कोशिश करेंगे। अगर 2024 तक कार्बन फ्री हो गए तो बड़ा अच्छा रहेगा, बिल्कुल यहां पे कोई दिक्कत नहीं जाएगी, तो टारगेट तो बड़ा अच्छा रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां पे ना अशोक लेलैंड रीइंफोर्स इट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स द यूथ अंडर विच प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन बाय प्रोवाइडिंग फ्लीट ऑफ 500 स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स नेम्ड दोस्त। तो जो कमर्शियल व्हीकल होती है ना, छोटी व्हीकल अशोक लेलैंड की, वो 500 व्हीकल्स जम्मू कश्मीर को दी जाएगी। 500 यूथ जो है वो उसके भरोसे अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं, उसके भरोसे अपना जॉब कर सकते हैं। तो भाई कौन सा प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का जिसके अंदर ये इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो कौन सा प्रोजेक्ट है, चलो देखते बहुत बढ़िया राजन, यस वेरी गुड। यस, प्रोजेक्ट मुमकिन की बात, ऐसा आंसर काफी लोगों का आ रहा है और आंसर एकदम सही है, प्रोजेक्ट मुमकिन की यहाँ पे बात की जाएगी। तो अशोक लेलैंड बड़ा फेमस कंपनी है, मोस्टली मिलिट्री जैसे बड़े बड़े जो ट्रक्स ये लोग क्रिएट करते हैं मिलिट्री के लिए, बाकी भी ट्रक्स इनके आते हैं, पर उनके जो छोटे ट्रक्स है वो 500 ऐसे स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि जो वहां का यूथ है कश्मीर का वो अपनी रोजी रोटी खुद कमा सके। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट मुमकिन, याद रखना अशोक लेलैंड इज इन्वॉल्व्ड इन दैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर है। एक्सरसाइज बड़ी फेमस है, कोंकण शक्ति नाम का एक्सरसाइज है। यहाँ पे ट्राई सर्विस एक्सरसाइज की बात की जाएगी। ट्राई सर्विस का मतलब है यहाँ पे तीनों सर्विसेज इन्वॉल्व रहेगी। के कोंकण एक्सरसाइज नॉर्मली नेवी का होता है, वो हमने देखा था लास्ट टाइम कि हमारे इंग्लिश चैनल में हमारी शिप्स का एक्सरसाइज हुआ था। यहाँ पे कोंकण शक्ति ट्राई सर्विस है, तीनों सर्विसेज इन्वॉल्व रहेगी, तो ये किसके साथ ऑर्गेनाइज किया गया था और कोंकण की बात की जाएगी या कोंकण शक्ति की बात की जाएगी तो एक ही कंट्री आती है और कंट्री का नाम है दोस्तों यस यूके। सो इंडिया एंड यूके इनके बीच का एक्सरसाइज है कोंकण शक्ति, ये ट्राई सर्विस है। केवल कोंकण एक्सरसाइज रहेगा तो नेवी का रहेगा, कोंकण शक्ति अगर है तो ट्राई सर्विसेज है, तीनों भी सर्विसेज यहाँ पे इन्वॉल्व है। आपको पता है ट्राई सर्विस एक्सरसाइज इंडिया केवल यूएस, रशिया और यूके, इन तीन ही कंट्रीज के साथ करता है ट्राई सर्विस, मींस तीनों सर्विसेज एक साथ इन्वॉल्व रहेगी। तो यूएस, रशिया और यूके ये तीन ही कंट्रीज है जिनके साथ हम लोग ट्राई सर्विस एक्सरसाइज करते हैं, याद रखिएगा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यस, यहाँ पे बात की जा रही है विच ऑफ द सॉरी पीएम ऑफ विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज और नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी एंड प्लेज टू फैसिलिटेट द इन्वेस्टमेंट इन द ग्रीन एनर्जी।
कौन सी कंट्री है जिनके पीएम साहब ने क्लाइमेट चेंज को नेशनल सिक्योरिटी का एक दर्जा दिया हुआ है, जैसे हम लोग नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं उसी तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के तरह ट्रीट किया जाएगा और ग्रीन एनर्जी के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तो कौन सा कंट्री यहाँ पे इन्वॉल्व है? यस, आंसर की बात की जाएगी तो इसराइल, इंडिया का बड़ा बेस्ट फ्रेंड है, इंडिया का काफी क्लोज फ्रेंड है इसराइल। यहाँ पे नफ्ताली बेनेट साहब है जो इसराइल के फिलहाल प्राइम मिनिस्टर है, तो उनका ये अनाउंसमेंट है कि क्लाइमेट चेंज को उस तरीके से या नेशनल सिक्योरिटी के तरह से ट्रीट किया जाएगा, तो बड़ा अच्छा अनाउंसमेंट इन्होंने किया। COP26 होने वाला है ग्लासगो के अंदर, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, जो एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस जिसे हम लोग कहते हैं, उसके पहले बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्लाइमेट के ऊपर बात कर रही है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रही है, उसमें से इजराइल है, नफ्ताली बेनेट प्राइम मिनिस्टर है, आइजक हर्ज़ोग ये यहां के प्रेसिडेंट है, इनका भी नाम हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर सेट सेल इन October 21 फॉर द सेकंड सी ट्रायल अहेड ऑफ इट्स प्लांट इंडक्शन इनटू द इंडियन नेवी। नाउ कौन सा हमारा इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है? इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मीन्स हमने खुद ने ये एयरक्राफ्ट कैरियर क्रिएट किया है। विक्रमादित्य हमारे पास है, पर विक्रमादित्य को रशिया से लाया गया था, रशिया से उसको हमने परचेस किया था, ये हमारा खुद का इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है जो अभी बहुत जल्दी हमारे नेवी को सुपुर्द किया जाएगा। और दोस्तों आंसर यहां पे आईएसई विक्रांत इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत की यहां पे बात की जाएगी, तो आईएसई विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो ये बहुत जल्दी हमारे नेवी को सुपुर्द किया जाएगा। यस, कोची शिपयार्ड के अंदर इसको क्रिएट किया गया है और गोवा में इसके ट्रायल्स हुए थे, गोवा के उस समुद्र में इसके ट्रायल्स किए गए थे, ये भी पॉइंट हमारे दोस्तों ने लास्ट टाइम मेंशन किया था। यस, वेरी गुड पॉइंट गाइस, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यस, इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 25th of October। द कैनेडियन आर्टिस्ट क्रिस मैक्लियर फाउंडेड द इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे इन विच ईयर, तो कौन से साल है जहां पे कैनेडियन आर्टिस्ट क्रिस मैक्लियर इन्होंने ये इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे को फाउंड किया हुआ है, कब से ये हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? कल हमने बात की, परसों हमने इसके ऊपर बात की थी, कल तो हमारा लेक्चर नहीं हो पाया था ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, बट नाउ इसका आंसर कर दीजिए, आर्टिस्ट डे की हम लोग बात करते हैं और यहाँ पे आंसर है 2014। तो 2014 से हम लोग इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, इस डे को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो वर्ल्ड में जितने भी आर्टिस्ट है उनके कॉन्ट्रीब्यूशन या उनके जो उन्होंने काम किया हुआ है उसको सराहना देने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, 25 अक्टूबर को हर साल ये डे ऑब्जर्व करते, याद रखिएगा। ओके गाइस, यस, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें डिस्कस करने थे, अभी हम करंट अफेयर्स की तरफ जाएंगे, पर उसके पहले भैया प्री फेस्टिवल धमाका चल रहा है टेक्स्ट बुक पास का, आपके लिए बड़ी अच्छी ऑफर है, 299 में आपके पास 14 मंथ्स का टेक्स्ट बुक पास अवेलेबल हो जाएगा ओनली इन 299, तो काफी अच्छी ऑफर है, इसको मिस मत कीजिएगा। यस गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज आपके लिए, आपको अगर टेक्स्ट बुक के साथ कोई भी लाइव बैच ज्वाइन करनी होगी, कोई भी टेक्स्ट बुक सिलेक्ट की लाइव बैच ज्वाइन करनी होगी, तो ऊपर आपको एक कोड दिख रहा होगा, कोड पास नाम का कोड है, कि ये कोड आप यूज कीजिए, किसी भी लाइव बैच में ये कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा, याद रखिएगा। चलो गाइस, 27 अक्टूबर की हम लोग बात करते हैं, 27th of October इंडियन आर्मी अपना इन्फेंट्री डे सेलिब्रेट करती है, 27 अक्टूबर कल की बात हो रही है, तो कल इंडियन आर्मी ने अपना इन्फेंट्री डे सेलिब्रेट किया 27th of October। ये हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं? पहली बार इंडिया ने पाकिस्तान के साथ वॉर किया था, पहली बार इंडिया ने पाकिस्तानी जो एंटर कर रहे थे इंडिया के अंदर उनको रोका था। आपको बताया 26 अक्टूबर को 26th of October की बात की जाएगी, तब ना हमने जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह साहब उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया था, जम्मू कश्मीर इंडिया के अंदर आ गया था 26th of October को, और 27th of October को हमारी आर्मी ने जम्मू कश्मीर के प्रोटेक्शन के लिए पहला अटैक लॉन्च किया था और जिसमें हमें जीत भी हासिल हुई थी। देखिए 1947 when the first battalion of the Sikh regiment reached श्रीनगर एयरबेस एंड एग्जिबिटेड एक्स्ट्रॉर्डनरी करेज एंड डिटर्मिनेशन फाइट विच स्टिल रिमेंबर्ड। तो पहली बार हमारी आर्मी कश्मीर के अंदर एंटर की थी, सिख रेजिमेंट था और हमने कश्मीर जो पाकिस्तानी लोग एंटर कर रहे थे इंडिया के अंदर, पाकिस्तानी आर्मी जो एंटर कर रही थी ट्राइबल बन के, ट्राइबल का भेष धारण करके पाकिस्तानी आर्मी एंटर कर रही थी, उनको हमने वहां पर रोक दिया था, डिफीट किया था। द वॉल कहा जाता है उस चीज को, द वॉल,
तो कश्मीर को बचाने के लिए पहली बार वॉल हमने क्रिएट की थी, तो उसी दिन को याद करने के लिए हमें डे ऑब्जर्व करते हैं, तो अक्टूबर 27 याद रखिएगा। नाउ लेफ्टिनेंट कर्नल देवान रंजीत राय, ये उसके हेड थे। इनके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो इनको महावीर चक्र भी दिया गया था, तो इन्फेंट्री डे जिसकी याद में हम लोग ऑब्जर्व करते उस टीम के, उस रेजिमेंट के जो हेड थे वो थे लेफ्टिनेंट कर्नल देवान रंजीत राय। इनकी इनकी बहादुरी, इनके टीम की बहादुरी ने पहली बार जो वॉर होने जा रहा था उसको रोका था। दैट वॉज अ वेरी लाइक ब्रेव थिंग डन बाय हिज टीम। तो लेफ्टिनेंट कर्नल देवान रंजीत राय, इनका नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक और चीज यहां पे देखें, द वॉल, इसको द वॉल कहा जाता है। इसको हिस्ट्री में, हमारे डिफेंस हिस्ट्री में इसको वॉल से संबोधित किया जाता है। Now, 26th of October को जम्मू कश्मीर के जब राजा थे हरि सिंह साहब, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। आपने पढ़ा होगा ये काफी जगहों पे, एक्चुअली कल के नोट्स में हम डिस्कस करने वाले थे, पर कोई बात नहीं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और उसके तुरंत बाद ये एक्शन ली गई थी। हरि सिंह साहब ने साइन भी इसीलिए किया था बिकॉज पाकिस्तान आर्मी अटैक कर रही थी, नहीं तो हरि सिंह साहब ये इंडिपेंडेंट कंट्री बन के रहना चाहते थे, ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे ना इंडिया के साथ। पर जब उनको रियलाइज हुआ कि पाकिस्तानी ये किसी के सगे नहीं है, अटैक करना शुरू कर रहे, एंड फाइनली उन्होंने इंडिया की मदद ली और उसके बाद ये चीजें हुई थी। तो इन्फेंट्री डे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, काफी सारे क्वेश्चन है जहां पे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यस आवाज आ रही है भाई, एम आई ऑडिबल? नहीं अनामिका जी, ऐसा नहीं होता है। यस इज देयर, आवाज सही है, एक बार मुझे बता दीजिए। यस गाइस, वॉइस इज ओके? ओके ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ लोग है जो आवाज सही नहीं ऐसा कह रहे हैं। ओके फाइन, ठीक है मैं आगे बढ़ता हूं। या फाइन, चलो आगे बढ़ते। द फ्री ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग विल बी डन फॉर 1 लाख वुमेन इन गोवा अंडर द इनिशिएटिव ऑफ स्वास्थ्य महिला स्वास्थ्य गोवा, स्वस्थ गोवा। ओके, तो स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया गया। अब इसकी तरफ ध्यान रखिए, यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है, मंथ ऑफ अक्टूबर इज कॉल्ड द ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। याद रखिए, हमने डिस्कस किया था कि ब्रेस्ट कैंसर कि जब बात की जाएगी तो उसका अवेयरनेस मंथ फिलहाल चल रहा है, मंथ ऑफ अक्टूबर। मंथ ऑफ सितंबर, मंथ ऑफ सितंबर कौन सा डे करके हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, कोई बताएगा मुझे कि मंथ ऑफ सितंबर को कौन सा डे करके हमने ऑब्जर्व किया था, एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। नाउ यहां पे यूवी कैन, आपको बताओ यूवी कैन, युवराज सिंह साहब का एक फाउंडेशन है यूवी कैन। तो यूवी कैन एंड गोवा गवर्नमेंट टूगेदर दे लॉन्च वन कंसेप्ट कॉल्ड एज द स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा। ये कैंपेन वहां पे लॉन्च किया गया, 1 लाख महिलाओं का स्क्रीनिंग गोवा के अंदर किया जाएगा, ऐसा गोवा गवर्नमेंट का कहना है। नाउ युवराज सिंह साहब का एक फाउंडेशन है, जब उनको कैंसर हुआ था उस कैंसर से जब वो सक्सेसफुली बाहर निकले थे, then he launched this campaign called as the You We Can. So इसके partnership में SBI भी involved है और state government of Goa भी involved है, तो तीन लोग involved है, SBI foundation, You We Can foundation, युवराज सिंह साहब का, और state government of Goa, तीनों ने मिलके ये breast awareness campaign launch किया हुआ है, जहां पे Goa की महिलाओं का वहां पे screening किया जाएगा। अगर किसी महिला के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स दिखते तो उसके फ्री में उसका ट्रीटमेंट करने की भी बात इन तीनों ने की हुई है। तो कम से कम 50% महिलाओं का गोवा के अंदर स्क्रीनिंग किया जाएगा इस कैंपेन के अंदर, तो ब्रेस्ट अवेयरनेस मंथ फिलहाल चल रहा है। पोषण माह की बात करते हैं, न्यूट्रिशन मंथ की बात करते हैं, तो लास्ट मंथ, मंथ ऑफ सितंबर, ये हमारा न्यूट्रिशन मंथ था, और ये जो मंथ है हमारा ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है। याद रखिए, पूरे वर्ल्ड में इस मंथ को ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो पॉजिटिव जितने पेशेंट्स रहेंगे उनका ट्रीटमेंट करने की भी बात यहाँ पे युवराज सिंह फाउंडेशन, SBI फाउंडेशन और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने की हुई है। गवर्नमेंट ऑफ गोवा फिलहाल चर्चा में चल रहा है बिकॉज
उनके अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस लगाए गए हैं एक गवर्नर साहब के तरफ से कि विल नॉट टॉक अबाउट दैट, पर प्रमोद सावंत साहब यहाँ पे जो है वो सीएम है गोवा के। जल्दी बताइए गोवा के गवर्नर साहब का नाम क्या है, जल्दी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि गोवा के गवर्नर कौन है जिनके अंडर गोवा फिलहाल वर्क कर रहा है और SBI फाउंडेशन यहाँ पे इन्वॉल्व है। मैंने जैसे कहा था आई ब्रेस्ट नाम के डिवाइसेस है जिसकी मदद से ये चेक किया जाएगा, स्क्रीनिंग की जाएगी। ओके गाइस चलो जल्दी बता दीजिए, ऑल ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये श्रीधरन पिल्लई साहब है जो फिलहाल गोवा गवर्नमेंट के या गोवा के गवर्नर है। एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड गाइस। चलो तो प्रमोद सावंत साहब का नाम हो गया, श्रीधरन पिल्लई साहब का नाम हो गया, यहाँ पे तीन लोग इन्वॉल्व है इस पूरे कैंपेन में, उनका भी नाम हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, ठीक है। यस विश्वजीत राणे एकदम मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड वुमन डेवलपमेंट ऑफ द गोवा, विश्वजीत राणे। ओके नारायण राणे अलग है, नारायण राणे हमारे MSME मिनिस्टर है, विश्वजीत राणे अलग है वो गोवा के हेल्थ मिनिस्टर है। इनका भी नाम काफी बार चर्चा में होता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो यहाँ का नाम वहां और वहां का नाम यहाँ करने की आदत बहुत बार होती है, बहुत बार कंफ्यूजन के चक्कर में ये चीजें हो जाती है, ठीक है। यस गाइस चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट न्यूज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों ये रहा। Yes. Now, Haryana CM Manohar Lal Khattar has announced the free education for those whose verified family income is less than 1.80 lakh per annum. तो खत्तर साहब ने बड़ा अच्छा अनाउंसमेंट किया, ऐसी फैमिलीज जिनका इनकम 1.80 लाख पर एनम से कम है उन फैमिलीज के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात खत्तर साहब ने की हुई है, हरियाणा के सीएम साहब ने की हुई है। तो अगेन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि रिसेंटली कौन से स्टेट ने फ्री एजुकेशन की बात की है जिनका इनकम, जिसके फैमिली का इनकम 1.80 लाख पर एनम से कम है, या फिर उल्टा क्वेश्चन पूछेंगे कि हरियाणा फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, किसको प्रोवाइड करेगा या किस इनकम रेशा के नीचे वाले फैमिलीज को प्रोवाइड करेगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कि He announced this while interacting with the students who have cracked the Civil Services Exam 2020 and the JEE Advanced 2021 in the Haryana Super 100 program. Haryana का Super 100 program है, वहाँ से काफी बच्चे JEE का exam clear कर गए, काफी students है जो Civil Service का exam clear कर गए, तो उनसे जब मुलाकात हो रही थी, जब उनसे रूबरू हो रहे थे, वो time पे ये announcement किया गया, तो काफी अच्छी policy है हरियाणा के अंदर। Normally Haryana is very famous for one thing. And the thing is called, जिसके हम लोग हमेशा बात करते हैं हरियाणा के अंदर, वहाँ पे एथलीट्स काफी ज्यादा जनरेट होते हैं, काफी सारे रेसलर्स हरियाणा से जनरेट होते हैं, पर यहाँ पे एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छी पॉलिसी इंप्लीमेंट की है। एक और कंसेप्ट है, द फ्री कॉस्ट एजुकेशन विल बी गिवन अंडर गवर्नमेंट्स परिवार पहचान पत्र। ये क्वेश्चन इसके पहले एग्जाम में पूछा गया है कि परिवार पहचान पत्र स्कीम ये कौन सा स्टेट की है, यहाँ पे याद रखना परिवार पहचान पत्र स्कीम ये हरियाणा गवर्नमेंट की है। इसी स्कीम की मदद से ये फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात खत्तर साहब ने की है। तो भैया यहाँ पे PPP PPP नाम की स्कीम है, कि एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि PPP स्कीम ऑफ हरियाणा वाज इन न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ PPP स्कीम। बड़ा डेंजरस था, ऑप्शंस इतने खतरनाक थे कि पांचों ऑप्शंस देख के स्टूडेंट्स डर गए थे कि भैया इसमें से सही ऑप्शन क्या रहेगा। तो परिवार पहचान पत्र याद रखना हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है। चलो इस स्कीम के बारे में बात कर लेते एक बार, 2019 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो हरियाणा के अंदर जो हम योजनाएं प्रोवाइड करते हैं, योजना सही फैमिली तक पहुंचनी चाहिए, योजना या स्कॉलरशिप्स होगी या सब्सिडी होगी वो सही पर्सन तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए ये PPP वाली स्कीम लॉन्च की है, परिवार पहचान पत्र। काफी अच्छी स्कीम है, यहाँ पे 8 डिजिट का एक फैमिली आईडी दिया जाएगा और जिस आईडी की मदद से उस परिवार की पहचान हो की जाएगी और जो भी फैसिलिटीज के लिए अगर वो एलिजिबल है तो उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। अब जो फ्री एजुकेशन दिया जाएगा ये भी परिवार पहचान पत्र के अंदर ही खत्तर साहब की गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली है, ध्यान रखिएगा। ओके चलो क्लियर है। यस गाइस फ्री एजुकेशन टिल ग्रेजुएशन, नहीं टिल ग्रेजुएशन की यहाँ पे बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन की यहाँ पे बात की जाएगी, यहाँ पे ग्रेजुएशन तक नहीं जाने की बात हो रही है। ओके तो ग्रेजुएशन का पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं किया,
जैसे प्राइमरी एजुकेशन वैसे भी फ्री है, उसके बाद सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, उसकी यहाँ पे बात की जाएगी। ग्रेजुएशन की बात यहाँ पे खत्तर साहब ने नहीं की है, उसके लिए अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट की भी योजनाएं होती है। ओके, तो ये पॉइंट है जो खत्तर साहब ने इस योजना के अंदर मेंशन किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ओके, अगेन ये सबके लिए नहीं है, किसके लिए, जिस फैमिली का इनकम 1.80 लाख से कम है पर एनम, पर एनम, पर ईयर, उसी फैमिली के लिए ये योजना रहेगी, नहीं तो जाके झगड़ा करना शुरू कर दोगे, याद रखिएगा। कि और आपको पता है हरियाणा बिकम द वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसने अपने स्टेट में प्राइवेट जॉब्स के अंदर भी रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया। कि रिजर्वेशन कैसे, पहले जॉब जो मिलेंगे वो हरियाणा के लोकल जनता को मिलेंगे। तो अगर सैलरीज 25,000 से कम वाली सैलरीज के जॉब होंगे, प्राइवेट के जॉब्स होंगे, तो पहले वो वहां की लोकल जनता को दिए जाएंगे और बाद में बाहर वालों को दिए जाएंगे। अगर हायर सैलरी वाले जॉब है तो ठीक है, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं रहेगा, पर लोअर सैलरी वाले जॉब है तो पहले हरियाणा की लोकल जनता को दिए जाएंगे और बाद में बाकियों को। यह भी अनाउंसमेंट लास्ट टाइम हरियाणा गवर्नमेंट ने किया था, तब भी काफी तारीफ हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, यह 75% एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया। द ओडिशा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन इन द स्टेट। यहां पर नवीन पटनायक साहब की बात करेंगे, कुछ ना कुछ नई चीजें नवीन पटनायक साहब इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, पर यह पहली बार ओडिशा में हो रहा है, ऐसा नहीं है, सबसे पहली बार ऐसे चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन, चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन सबसे पहले पुणे के अंदर महाराष्ट्र पुलिस ने स्टार्ट किया था। पुणे पुलिस डिपार्टमेंट ने सबसे पहले ऐसा पुलिस स्टेशन लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, आपको याद होगा, जिन लोगों ने वो न्यूज पढ़ी होगी, जिनको न्यूज याद होगी आपको अच्छे से याद होगा। तो सबसे पहले इंडिया में चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्टार्ट करने वाला वॉज पुणे पुलिस स्टेशन महाराष्ट्र। अब ओडिशा गवर्नमेंट ने केवल एक सिटी में नहीं, लगभग बहुत सारे सिटीज में 34 ऐसे चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्टार्ट किए। अब चिल्ड्रन फ्रेंडली क्या होते, देखिए सपोज पेरेंट्स आ रहे केस करने के लिए, या सपोज कोई बच्चा खो गया कहीं पे, पुलिस वाले उसको लेके आ गए, तो पुलिस स्टेशन में कुछ ऐसे चेंबर्स बनाए जाएंगे जहां पे बच्चे आराम से रह सके, खेल सके, थोड़ा सा रिलैक्स हो सके। नहीं तो पुलिस स्टेशन का एनवायरमेंट, बड़े बड़े घबरा जाते, बड़े बड़ों का पसीना निकल जाता है, तो छोटे बच्चों के लिए इसीलिए थोड़ा सा माइंडसेट क्लियर करने के लिए ऐसे स्टेशन बनाए जाएंगे। अगर सपोज कोई पेरेंट्स है, कोई महिला है जो अपने बच्चों को लेकर आ रही है कंप्लेंट फाइल करने के लिए, काफी देर बहुत बार पुलिस स्टेशन में रहना पड़ता है पेरेंट्स को, तो ऐसे वक्त में ये बच्चे उस जो एक एरिया बनाया जाएगा जहां पे बच्चे खेल सकते, तो ऐसे पुलिस स्टेशन क्रिएट करने की बात की है। तो दैट विल बी द केस, ज्यादा यहां पे और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उनके लिए बुक्स, मैगजीन्स, कुछ अलग अलग गेम्स भी रखे जाएंगे, पर सबसे पहले यह शुरू किया गया था बाय पुणे पुलिस डिपार्टमेंट एंड नाउ बाय द ओडिशा गवर्नमेंट, याद रखेगा। यस, ठीक है, चलो गाइस, सो ये है यहां पे, दैट इज अ पॉइंट विच इज मेंशन ओवर हियर। यस, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाए, नेक्स्ट न्यूज की तरफ जाते या एक ना यहाँ पे एक कुछ इनिशिएटिव्स है ओडिशा गवर्नमेंट के, ये मैंने यहाँ पे डाल के रखे हुए कि अलग अलग इनिशिएटिव्स हर स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करती है, तो ओडिशा गवर्नमेंट के रिसेंट इनिशिएटिव्स के यहाँ पे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। लेट्स रीड कैंपेन ये लॉन्च किया गया था पुलिस स्टेशन ने, लेट्स रीड कैंपेन भी लॉन्च किया था फॉर द बच्चों के लिए। देखिए यहाँ पे तो चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बनाए गए, दूसरा लेट्स रीड कैंपेन, ये कैंपेन में पुलिस वाले अवेयरनेस करेंगे रीडिंग के बारे में। आजकल एक बहुत ही गंदी आदत लगी हुई है, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो, लोग पढ़ते हैं पर क्या पढ़ते हैं, व्हाट्सएप के मैसेज, फेसबुक के मैसेजेस, के उनको वो पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट है। तो बुक्स पढ़िए, बुक्स पढ़ोगे तो और नॉलेज मिलेगा इस एंगल में। बुक्स में हमेशा एजुकेशन के बुक्स नहीं होते, और भी नॉवेल्स वॉवेल्स भी होती है, तो इसी के लिए कैंपेन स्टार्ट किया गया बाय द ओडिशा पुलिस डिपार्टमेंट, विच इज वेरी गुड। उसके अलावा अदानी एनर्जी लिमिटेड, इन्होंने भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिखाया हुआ है कि इनका भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहेगा। खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, दे ऑल्सो स्टार्टेड द टस्सर सिल्क, आपको पता होगा कटक वाला, इसके लिए भी एक कैंपेन स्टार्ट किया गया, इसके लिए भी एग्रीमेंट साइन किया गया है बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। द नेशनल ट्राइबल टैलेंट पूल कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया था ओडिशा के अंदर, दो दिन का कॉन्क्लेव था, ट्राइबल टैलेंट पूल कॉन्क्लेव वॉज ऑर्गेनाइज एंड जूनियर मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप है जो मंथ ऑफ नवंबर में ओडिशा के अंदर होने वाला है। ओडिशा वैसे भी हॉकी के लिए बड़ा फेमस है, इंडियन हॉकी टीम का भी स्पॉन्सर ये
Odisha government hai, everyone knows about that. So in that way they are working, in that way they are doing their job. Ek aur point yaad rakhiyega, सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है वो हम लोग ओडिशा के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम. आपको पता होगा 20,000 प्लस की कैपेसिटी उस हॉकी स्टेडियम की रहेगी, और 2023 में जो हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है वो वर्ल्ड कप उसी स्टेडियम में ऑर्गेनाइज करने की बात नवीन पटनायक साहब ने की थी. अभी यहाँ पे जूनियर मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप की बात हो रही है जो 24 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में ओडिशा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा. तो ये कुछ इनिशिएटिव्स थे ओडिशा के थे तरफ से, थोड़ा ध्यान रखिएगा. यस फाइन, दैट्स ऑल अबाउट दी ओडिशा के कुछ इनिशिएटिव्स. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करेंगे. नेक्स्ट न्यूज गाइस आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. यस, दिल्ली हैज अप्रूव्ड द एडिशन ऑफ अयोध्या इन इट्स फ्री पिलग्रिमेज स्कीम फॉर सीनियर सिटीजंस ऑफ द सिटी. नाउ 2018-19 के टाइम पे दिल्ली गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया था. दिल्ली के अंदर जो सीनियर सिटीजंस है, दिल्ली के अंदर ऐसे लोग जो 60 साल के उम्र से ज्यादा के, उनके लिए पिलग्रिमेज स्कीम लॉन्च की थी, फ्री पिलग्रिमेज स्कीम. यहां पे वो तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं और सारा खर्चा दिल्ली गवर्नमेंट उठाएगी. तो ऐसे लोग जो 60 साल की उम्र से ज्यादा है उनके लिए ऐसी पॉलिसी बनाई थी. अब उस तीर्थ यात्रा में एक नया लोकेशन ऐड कर दिया है और नया लोकेशन है अयोध्या. अगर कोई श्रद्धालु जो 60 साल की उम्र से ज्यादा है और जो अयोध्या जाना चाहते हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट उनको फ्री में भेज देगी. पर यह स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी ऑटोनोमस बॉडी में जो लोग वर्क कर रहे थे, जहां से वो लोग रिटायर हो गए, उनके लिए नहीं रहेगी. सपोज कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर हो गया, कोई स्टेट गवर्नमेंट के जॉब से रिटायर हो गया, कोई बैंक या किसी आरबीआई या सेबी जैसे डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ है, उनके लिए ये स्कीम नहीं रहेगी. बाकी जो लोग हैं उनके लिए स्कीम अवेलेबल रहेगी. तो 60 साल के ऊपर के अगर लोग हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट आपको फ्री में तीर्थ यात्रा करवा सकती है, सारे खर्चे आपके लिए करवाएगी. और रिसेंटली उसके अंदर अयोध्या का एडिशन किया गया. राम जन्मभूमि है, Obviously, काफी लोग वहां जाना चाहते हैं और उसी के बारे में यहां पे बात की गई है. ओरिजिनली स्कीम के अंदर शिरडी, मथुरा, हरिद्वार, तिरुपति जैसी बड़ी बड़ी प्लेसेस थी, यहां पे अगर आप विजिट करना चाहते हो तो दिल्ली गवर्नमेंट आपके लिए सारा खर्चा करेगी. 2018 में इस पॉलिसी को केजरीवाल साहब ने शुरू किया था, अब जिसके अंदर रिसेंटली अयोध्या को एड किया गया है. देखिए, द स्कीम ऑफर्स अकोमोडेशन, मील्स, इंश्योरेंस फॉर ऑल पार्टिसिपेटिंग सीनियर सिटीजन. मगर आप एक बार इस स्कीम का फायदा उठा चुके हैं तो वापस आपको फायदा नहीं मिलेगा. सपोज एक बार कोई तिरुपति चला गया इस स्कीम के अंदर, वापस एक बार नेक्स्ट ईयर शिरडी जाना चाहता होगा तो नहीं मिलेगा. ये स्कीम का फायदा केवल एक ही बार मिल सकता है. नहीं तो पता चला हर साल गवर्नमेंट के पैसे पे तीर्थ यात्रा हो रही है, इतना भी दिलदार कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं बन सकती है. तो ये एक ही बार यूज कर सकते हैं. और दूसरा, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट्स रह चुके हो पहले तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आपको इस योजना के अंदर बेनिफिट नहीं मिलेगा. प्लस 60 इयर्स प्लस के लिए योजना रहेगी. ओके, तो यस, तो ये पॉइंट यहां पे याद रखिएगा, बड़ी बेहतरीन स्कीम है बाय दी दिल्ली गवर्नमेंट. ठीक है, चलो गाइज, अभी स्टेट न्यूज लगभग खत्म हो गई. अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर जो इंडिया से रिलेटेड है. इंटरनेशनल सेक्शन ध्यान दीजिए. निर्मला सीतारमण जी ने रिसेंटली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, बड़ा इंपॉर्टेंट बैंक है हमारे देश के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. AIIB का मेंबर है इंडिया, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है. AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बीजिंग के अंदर हेडक्वार्टर है. इस बैंक का सबसे बड़ा मेंबर चाइना है, नो डाउट अबाउट दैट, और दूसरा सबसे बड़ा मेंबर इंडिया है. और आपको पता है चाइना, इंडिया, इन दो कंट्रीज ने टुगेदर AIIB क्रिएट किया था. तो इसकी एनुअल मीटिंग थी, एनुअल मीटिंग में हर कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर उस देश को रिप्रेजेंट करते हैं. तो इंडिया को रिप्रेजेंट यहां पे निर्मला जी ने किया. एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस AIIB को लेके आएंगे. एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये चाइना इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, इन बैंकों को साइडलाइन करने के लिए ये क्रिएट किया. अब आप कहोगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से क्या नफरत है. देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक होगा, वर्ल्ड बैंक होगा, IMF होगा, यहां पे चाइना और इंडिया की जनता को इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता. हमारे कंट्रीज जैसे चाइना है, इंडिया है या बाकी जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है, इनको यहां पे इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता. वहां पे USA, यूरोपियन कंट्री, जापान, इनका ही बोलबाला होता है.
तो इसने चाइना इंडिया ने दोनों ने मिलकर AIIB का गठन किया, उसका 6वां एनुअल मीटिंग था और जिस मीटिंग में निर्मला जी ने हमारे देश को रिप्रेजेंट किया। अब देखिए, इन्वेस्टिंग टुडे एंड ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो, ये हमारा टैगलाइन है इस बार का, कि जो जिसका मीटिंग हुआ था, तो इन्वेस्टिंग टुडे एंड ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो इस नाम से मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ AIIB। मैंने कहा था सबसे बड़ा शेयर होल्डर चाइना है, सेकंड लार्जेस्ट इंडिया है। अब ना यहाँ की एक अच्छी खासियत है AIIB की, सबसे अच्छी खासियत पता क्या है, 102 कंट्रीज यहाँ पे मेंबर है, 102 कंट्रीज AIIB की मेंबर है, पर सारे कंट्रीज के पास इक्वल पावर है, वोटिंग पावर। नहीं तो वर्ल्ड बैंक IMF में क्या होता है, वोटिंग पावर, ये आपके शेयर होल्डिंग पे डिपेंड करते हैं। जितना ज्यादा पैसा आप वर्ल्ड बैंक या IMF के अंदर इन्वेस्ट करोगे, उतना ज्यादा शेयर होल्डिंग आपको मिलेगा। जैसे US यूरोपियन कंट्रीज का शेयर होल्डिंग ज्यादा है। AIIB का यह कहना है कि पैसा भले ही ज्यादा चाइना ने दिया होगा, इंडिया ने दिया होगा, पर सबके वोटिंग पावर ये सेम तरीके से रहेंगे। तो डेमोक्रेसी ट्रू नेचर में यहाँ पे AIIB के अंदर मिलती है। तो 2016 में AIIB का गठन किया गया था, बीजिंग में हेडक्वार्टर है, और जिन लिक्विन ये AIIB के हेड है, ये AIIB के इंचार्ज है, ध्यान रखना। 16 जनवरी 2016 से इसकी शुरुआत की गई थी, 6वीं मीटिंग थी और जहां पे निर्मला जी ने देश को रिप्रेजेंट किया हुआ है। चलो, तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मल्टीपल क्वेश्चन विल बी आस्क फ्रॉम दिस न्यूज, स्पेशली AIIB, जिन लिक्विन इसके हेड है, इसके इंचार्ज है, ये पॉइंट आप एग्जाम के लिए याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, एक न्यूज है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ ब्रिटिश आर्मी के जो हेड है सर मार्क कार्ल्टन स्मिथ, ये 4 दिन के विजिट के लिए इंडिया में आए हुए हैं। तो ब्रिटिश आर्मी के हेड जनरल सर मार्क कार्ल्टन स्मिथ इज राइट नाउ इन इंडिया। तो इंडिया से बिपिन रावत साहब और बाकी भी लोगों से उनकी मुलाकात हो रही है, काफी सारी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की गई है। आपको पता है मैंने कहा था ट्राय सर्विस एक्सरसाइज, कोंकण शक्ति की बात की थी हमने, तो कोंकण शक्ति एक्सरसाइज चल रही है, उसी के बैकड्रॉप में इस कंट्री के यूके के जो मिलिट्री हेड है वो इंडिया आए हुए हैं, और जिनका नाम है मार्क कार्ल्टन स्मिथ। अभी कुछ दिनों पहले US के नेवी हेड इंडिया आए थे, आपको याद है US के नेवी के जो हेड है वो इंडिया आए थे। उनका नाम कोई बताएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, जल्दी उनका नाम डाल दीजिए कि US के नेवी हेड का नाम क्या है। यस गाइज, लेट्स सी कितने लोग यहां पे आंसर करते के। यस, फटाफट आंसर कर दीजिए कि कितने कौन है US के नेवी हेड जो इंडिया में आए थे, अभी यहां पे UK के मिलिट्री हेड आए हुए सर मार्क कार्ल्टन स्मिथ। यस, उनका नाम, यस माइक गिल्डी, यस एब्सोल्युटली माइक गिल्डी की बात की जाएगी। यस 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 एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया अरविंद, वेरी गुड। नीतू जी क्वेश्चन मार्क निकाल दीजिए, माइक गिल्डी इज द नेम ऑफ द पर्सन, ओके, जो इंडिया आए हुए थे US के नेवी हेड, और यहां पे बात हो रही है UK के आर्मी हेड की। कुछ लोग हैं जिनको बाकी की सारी बातों में बड़ा इंटरेस्ट है, पर कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे पॉइंट कमेंट सेक्शन के अंदर डाल रहे हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइज। यस अरविंद, वेरी गुड मेरे दोस्त के। यस, माइक गिल्डी की बात की जाएगी जो अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले इंडिया आए हुए थे। के अब देखते हैं यहाँ पे, ही लेड द ब्रेथ ऑफ नेशनल वॉर मेमोरियल एंड रिसीव्ड गार्ड ऑफ ऑनर एट द साउथ ब्लॉक, बट ऑब्वियसली अगर कोई आता है तो उसको हम गार्ड ऑफ ऑनर भी देते हैं। उसके बाद हमारे डिफेंस स्टाफ के जो हेड है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनके साथ भी इनकी मीटिंग हुई। इंडिया यूके के बीच में रिलेशंस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ। और जैसे मैंने कहा था, ट्राय सर्विस एक्सरसाइज यूके के साथ रिसेंटली ऑर्गेनाइज की थी, जिसका नाम है कोंकण शक्ति, जो अभी चल रहा था, बस उसी के बैकड्रॉप में यहाँ पे कार्ल्टन साहब आए थे और इंडिया में उनका मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था। दैट विल बी इनफ ओवर हियर। ओके, ये क्वीन एलिजाबेथ, इसका नाम याद रखिएगा कि कोंकण शक्ति में उनका कौन सा शिप पार्टिसिपेट कर रहा था, तो क्वीन एलिजाबेथ नाम का उनका शिप है। इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बस इसके तरफ ध्यान रखिए। बाकी तो इनफ है, बाकी तो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, बस ही विजिटेड इंडिया, दैट इज द ओनली न्यूज। स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, मिलिट्री हेड और US के नेवी हेड, दैट विल बी इनफ फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स इट। यस, बहुत बढ़िया दोस्तों, एब्सोल्युटली राइट आंसर, वेरी गुड। इंडिया किर्गिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग बिटवीन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीज वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। किर्गिस्तान की कैपिटल, किर्गिस्तान का करेंसी, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दीजिए कि किर्गिस्तान का कैपिटल क्या है और उसका करेंसी क्या है।
किर्गिस्तान बड़ी ही इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए। शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी किर्गिस्तान हमारे साथ वहां पे मेंबर है, इंडिया भी मेंबर है, किर्गिस्तान भी मेंबर है। टोटल 9 कंट्रीज है जो एससीओ के अंदर मेंबर है और रिसेंटली ईरान को एससीओ में एंट्री दी गई। अभी किर्गिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के हेड और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के हेड, इनके बीच में मीटिंग हुआ, मींस यहां पे बात हो रही है अजीत दोवल साहब की। तो अजीत दोवल साहब, इन्होंने किर्गिस्तान के उनके जो काउंटर पार्ट है उनके साथ मीटिंग की, सिक्योरिटी को लेके इन दो कंट्रीज में डिस्कशन हुआ। यस, बिश्केक इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान, बिश्केक उनकी कैपिटल है और सोम इज द करेंसी ऑफ किर्गिस्तान। एक काम करते हैं, किर्गिस्तान को देख लेते हैं। सिक्योरिटी को लेके, सिक्योरिटीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एंड दैट इज अ न्यूज ओवर हियर। थोड़ा आगे देखते हैं और क्या क्या डिस्कशन हुआ। देखिए, देयर आर हेलो, आवाज आ रही है? यस गाइस, आवाज यस नाउ नाउ फाइन ओके। मेरे ख्याल से वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम था के मैप में आवाज चली गई थी। ठीक है, आई विल आस्क द टीम टू मेक इट गुड। ओके, जैसे मैं आपको मैप दिखा रहा था कि एग्जैक्टली कजाकिस्तान कहां पे आता है, सो आई हैव शोन दैट मैप टू यू। ओके, थोड़ा वहां पे ध्यान रखिएगा। ओके, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको मैप समझ में आ गया, मैप आपको समझ में आ गया। ओके, ओनली मैप मैंने दिखाया था। देखिए, अफगानिस्तान में अभी तालिबान का इश्यू चल रहा है, तो इसी अफगानिस्तान के इशू को लेके सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करने के लिए ये दो कंट्रीज के सिक्योरिटी एडवाइजर साथ में आ गए थे। बिकॉज अफगानिस्तान में तालिबान है एंड तालिबान कुछ भी कर सकता है, चाहे किर्गिस्तान पे अटैक करेगा, चाहे किसी और कंट्री पे अटैक करेगा, या इंडिया के ऊपर भी अटैक कर सकता है। एंड फॉर दैट पर्पज ये दो कंट्रीज के सिक्योरिटी हेड ये साथ में आ गए थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो बस वही एक पॉइंट है किर्गिस्तान के साथ। अगेन, बिश्केक इज द कैपिटल, सोम इज द करेंसी ऑफ द किर्गिस्तान, दैट विल बी इनफ। यस गाइस, बस याद रखना एससीओ में हम लोग मेंबर है, एससीओ में टोटल 9 कंट्रीज आती है और रिसेंटली ईरान एससीओ के अंदर आ गया। किर्गिस्तान के साथ हमने खंजर नाम का एक्सरसाइज है, ये भी रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया था, ये भी आपको पता होगा, वी डिस्कस अबाउट दैट। और 200 मिलियन का लोन एग्रीमेंट हमने किर्गिस्तान के साथ साइन किया हुआ है, सो वी आर गिविंग 200 मिलियन टू किर्गिस्तान। याद आपको रिसेंटली 500 मिलियन का एग्रीमेंट हम श्रीलंका के साथ साइन करने वाले, 500 मिलियन का। और 200 मिलियन का एग्रीमेंट है यहां पे किर्गिस्तान के साथ साइन किया हुआ है, उनको पैसे की मदद जरूरत होगी तो इंडिया उनको फंड प्रोवाइड करेगा 200 मिलियन का अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये भी एक पॉइंट है जो एग्जाम के लिए मैटर करेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैपिंग के टाइम आवाज चली गई थी, मेरे ख्याल से वहां पे कुछ अभी भी इश्यू चल रहा है मैपिंग में, कि साउंड का बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो कभी तो मेरा गला खराब होता है, कभी हमारे माइक का गला खराब हो जाता है। चलो कोई बात नहीं। Yes guys, yeah, next news, बड़ी सिंपल है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल अटेंड द 16th ईस्ट एशिया समिट टू बी हेल्ड वर्चुअली। ईस्ट एशिया समिट, अब ध्यान रखिए, ईस्ट एशिया समिट 2005 से ऑर्गेनाइज की जा रही है। ईस्ट एशिया समिट के ईस्टर्न एशियन कंट्रीज की ये समिट होती है, यहाँ पे एशियन कंट्रीज इस समिट को ऑर्गेनाइज करता है। 2005 से ये समिट ऑर्गेनाइज की जा रही है, तो यहां पे मोदी साहब पार्टिसिपेट करेंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल 16 कंट्रीज है जो इस समिट के अंदर पार्टिसिपेट करती है, टोटल 16 कंट्रीज। एक बार कंट्रीज के नाम देख लेते हैं। देखिए, 10 एशियन मेंबर, इसके अलावा इंडिया, चाइना, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूएसए, रशिया, ये कंट्रीज यहां पे पार्टिसिपेट करती है। सो इंडिया, चाइना, इंडिया छोड़ के लाइक टोटल नियर अबाउट 16 कंट्रीज यहां पे पार्टिसिपेट करती है। 10 एशियन कंट्रीज है, एशियन का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के, एशियन। सो 10 एशियन कंट्रीज है और बाकी इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए और रशिया, इन सब का ये ईस्ट एशिया समिट होता है।
इस बार जो समिट है वो ब्रुनेई में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ब्रुनेई के, याद रखिएगा ब्रुनेई बंदर सेरी देगावार के, ये उसका कैपिटल है ब्रुनेई का, और ब्रुनेई के अंदर इसका कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है। अब वहां पे जा तो नहीं सकते बिकॉज कॉन्फ्रेंस वर्चुअल तरीके से, तो मोदी साहब वर्चुअल तरीके से इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेंगे, इस कॉन्फ्रेंस में अपना भाषण देंगे। इसके अलावा एशिया इंडिया समिट ये भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, एशियन एशियन कंट्री प्लस इंडिया इनका भी समिट है, तो एक साथ दो समिट है जिसमें मोदी साहब एड्रेस करेंगे। एक समिट है जिसका नाम है ईस्ट एशिया समिट, जहां पे आप देख सकते हो कि एशियन कंट्रीज और बाकी कंट्रीज के नाम यहां पे लिखे, 2005 से ईस्ट एशिया समिट ऑर्गेनाइज की जा रही है। दूसरा कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम है एशियन एंड इंडिया समिट, यहां पे भी मोदी साहब अपने स्पीच को देंगे, और दोनों समिट को ब्रुनेई ये कंट्री ऑर्गेनाइज कर रही है, ब्रुनेई के अंदर ये समिट ऑर्गेनाइज की जा रही है, और इंडिया यहां पे वर्चुअली पार्टिसिपेट करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो दैट विल बी इनफ फ्रॉम दिस न्यूज, बाकी यहां पे ऐसे नहीं रहेगा, एक और न्यूज दिखा देता हूं मैं आपको। यस, ये वाला देखिए, 28th of October एशियन इंडिया समिट, जहां पे मोदी साहब इसको अटेंड करने की बात करें, सुल्तान ऑफ ब्रुनेई ने इनको इनवाइट किया, तो वर्चुअली यहां पे मोदी साहब इसको अटेंड करेंगे, फिजिकली नहीं जा सकते तो वर्चुअली अटेंड किया जाएगा। सो ब्रुनेई की बात करते, ब्रुनेई डॉलर, डॉलर इनका करेंसी है, ब्रुनेई डॉलर इज द करेंसी ऑफ दिस कंट्री, बंडार सेरी इज द कैपिटल ऑफ ब्रुनेई, बंडार सेरी इनका कैपिटल है, ये भी एक पॉइंट यहां पे याद रखिएगा। मैं मैप दिखाने वाला था पर मैप में थोड़ा सा साउंड का इश्यू आ रहा है, तो मैं मैप आपको नहीं दिखाऊंगा, बस आप फिलहाल इसके तरफ ध्यान रखिएगा। एशियन, एशियन के अंदर 10 कंट्रीज आती है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के अंदर 10 कंट्रीज आती है, 10 कंट्रीज के नाम एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, वो आपके लिए थोड़ा बेटर पॉइंट रहेगा, ठीक है। यस गाइस, 10 कंट्रीज के नाम एक बार दिखा देते हैं। यस, कहां पे गया, या ये वो कंट्रीज है, ब्रुनेई कंबोडिया इंडोनेशिया लाओस मलेशिया म्यांमार फिलीपींस सिंगापुर थाईलैंड वियतनाम, ये वो 10 कंट्रीज है जो एशियन की मेंबर है, और इनके साथ इंडिया के बड़े अच्छे रिलेशन है, हमारा एक्सपोर्ट हमारा बिजनेस काफी अच्छी तरीके से इन कंट्रीज के साथ होता है, तो दैट्स व्हाई ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, एशियन इंडिया मीटिंग, दैट विल बी इनफ, ठीक है। अनामिका जी, आप जानबूझ के तो नहीं डाल रहे हो के, क्योंकि बाकी सब कुछ सही सुनाई दे रहा है, आप तब से आवाज को लेके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, तो प्लीज ऐसे मैसेजेस डालना बंद कीजिए, प्लीज डिस्टर्ब करना बंद कीजिए के। यस, ऑल क्लियर गाइस, ये दोनों न्यूज क्लियर हो गए आप लोगों के लिए, चलो आगे बढ़ेंगे। अब ये इंडिया के लिए बड़ी प्राउड न्यूज है, और न्यूज ये है कि इंडियन ओरिजिन कैनेडियन पॉलिटिशियन अनीता आनंद अपॉइंटेड एज द कैनेडाज न्यू डिफेंस मिनिस्टर, ये नई डिफेंस मिनिस्टर है, ध्यान रखिएगा, कनाडा की नई डिफेंस मिनिस्टर है जिनका नाम है अनीता आनंद। तो जस्टिन ट्रूडो अभी रिसेंटली कनाडा के वापस एक बार पीएम चुने गए, प्राइम मिनिस्टर चुने गए, और अनीता आनंद जी यहां पे नई डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट की गई है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। 2019 में पहली बार अनीता आनंद जी ये इलेक्शन जीती हुई थी, और उसके बाद उनको मिनिस्टर बनाया गया था के, अब वो टाइम पे उनका उनके पास पब्लिक सर्विस प्रोक्रूटमेंट मिनिस्ट्री थी, पब्लिक सर्विस प्रोक्रूटमेंट, इन्होंने काफी अच्छा काम किया इस मिनिस्ट्री के अंदर, अभी इनको डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। इनके पहले हरजीत सज्जन, ये कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर थे हरजीत सज्जन, अभी हरजीत सज्जन को इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी का मिनिस्टर बनाया गया, तो जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ कनाडा के रिलेशंस होते हैं उसकी मिनिस्ट्री हरजीत सज्जन साहब के पास दी गई है, और आनंद जी अनीता आनंद जी को यहाँ पे नया डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया गया, बड़ी अच्छी न्यूज है। काफी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर, ध्यान रखिएगा। She did amazing job while handling the COVID-19 problem for the Canada and बस उसी के बाद इनको भी डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। एक और चीज है, कनाडा ने एक नई मिनिस्ट्री बनाई हुई है मेंटल हेल्थ एंड एडिक्शंस के, कनाडा ने एक नई मिनिस्ट्री बनाई हुई है और मिनिस्ट्री का नाम है मेंटल हेल्थ एंड एडिक्शन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मेंटल हेल्थ, आजकल COVID-19 के बाद मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम काफी स्ट्रांगली बढ़ गया है, तो मेंटल हेल्थ और एडिक्शंस भी काफी ज्यादा होती है, इनको सॉल्व करने के लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री है जो कनाडा गवर्नमेंट ने क्रिएट की हुई है, ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने एक इंडियन ओरिजिन पर्सन का अचीवमेंट देख लिया, कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर बन चुके हैं, और यहाँ पे एक नई मिनिस्ट्री है कनाडा ने क्रिएट की हुई है मेंटल हेल्थ एंड एडिक्शन वाली, याद रखिए। ओटावा इज द कैपिटल, डॉलर करेंसी है के, सो दैट विल बी इनफ फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आगे बढ़ते हैं।
यस अग्नि फाइव, अग्नि फाइव का कल टेस्ट फायर किया गया। अग्नि फाइव ये हमारा लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल है। सो डीआरडीओ ने कल इसका एक टेस्टिंग कर लिया और ये सही तरीके से वर्क कर रहा है। सो अग्नि फाइव का टेस्टिंग इसके पहले 2018 में किया गया था, 2018 का टेस्टिंग हमारा था और उसके बाद अभी वापस एक बार इसका टेस्टिंग किया गया है और काफी तारीफ हो रही है। चलो एक बार अग्नि फाइव की बात कर लेते हैं। अग्नि फाइव ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है हमारे कंट्री का और जिसका टेस्ट फायर कल ही किया गया। देखिए अग्नि फायर, अग्नि फाइव, अग्नि फाइव का रेंज है 5000 किलोमीटर प्लस का। ओके मैं यहाँ पे एक बार हट जाता हूं। देखिए 5000 प्लस किलोमीटर का इसका रेंज है। 2018 में लास्ट टाइम इसका टेस्टिंग किया गया था। अग्नि फोर का 4000 है, अग्नि थ्री का 3000 है, अग्नि दो का 2000 है और अग्नि एक का यहाँ पे 700 का रेंज है। तो हमारे पास अग्नि मिसाइल से अलग अलग यू कैन सी ओवर हियर। जो अभी अग्नि मिसाइल का टेस्ट फायर किया गया कि ऑब्वियसली ये इंडिजिनियसली डेवलप मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है के और इसका टेस्ट फायर करना ये एक बड़ा एक अचीवमेंट है हमारे देश के लिए। बिकॉज इतना बड़ा, इतने बड़े रेंज का न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल हमारे कंट्री के पास है तो इट्स अ वेरी बिग न्यूज नो डाउट। देखिए ऐसा मिसाइल केवल आपको यहां पे दिख सकता है यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना। इतने बड़े रेंज के मिसाइल और इस टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल केवल यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना और बाद में इंडिया के पास है एंड दैट्स व्हाई बिकम द बिग न्यूज। इसलिए थोड़ी बड़ी न्यूज बन जाती है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यस ओडिशा के अब्दुल कलाम आइलैंड से इसका टेस्ट फायर किया गया। अग्नि फाइव रेंज की तरफ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस बहुत सारे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यस ओके एक और चीज के ऊपर बात करते हैं। इंडिया हैज नोटिफाइड ट्रैफिक मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर नेशनल अनमैंड एयरक्राफ्ट सिस्टम ऑफ द ड्रोन। अभी ड्रोन की पॉलिसी इंडिया में बनाएगी। अब बहुत सारे ड्रोन है जिसकी परमिशन इंडिया में दी गई है। हमने ऑलरेडी तेलंगाना की बात की थी, तेलंगाना में ड्रोन से मेडिसिन डिलीवर किए गए। नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है या इवन जो अंडमान निकोबार है वहां पे ICMR ड्रोन की मदद से वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है के और ड्रोन की पॉलिसी भी काफी इजी कर दी है तो बहुत सारे लोग अभी ड्रोन का यूज कर सकते हैं। अभी ड्रोन का ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक अनाउंसमेंट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। देखिए प्लेन्स जब जाते हैं तो प्लेन्स का ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है कि कौन सा प्लेन आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, कौन सा लैंड करेगा। वैसे ड्रोन के लिए भी ट्रैफिक मैनेजमेंट करना पड़ेगा नहीं तो एक ड्रोन दूसरे ड्रोन से टकरा जाएगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस है। देखिए जितना नया टेक्नोलॉजी लेके आओगे उतने प्रॉब्लम्स भी साथ में आने वाले, इसलिए ड्रोन के ट्रैफिक मैनेजमेंट का अनाउंसमेंट यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया हुआ है। देखते क्या बात हो रही है, नहीं तो एक ड्रोन दूसरे ड्रोन से टकरा गया तो जो पार्सल जा रहा था वो पार्सल नीचे वालों को मिल जाएगा, दिक्कत जा सकती है। देखिए यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज प्राइवेट कंपनी दोनों भी ड्रोन का ट्रैफिक मैनेजमेंट का सिस्टम क्रिएट कर सकती है। okay, तो कोई भी सिस्टम क्रिएट करेगा ट्रैफिक मैनेजमेंट का, उसके थ्रू हमें समझ में आएगा कि रास्ता क्लियर है कि नहीं है, कहां जा सकते हैं, कोई दूसरा ड्रोन तो नहीं आ रहा है, मैपिंग कैसे होगी, ये सब कुछ हम चेक कर पाएंगे और इसीलिए ये सिस्टम बनाई गई है। नहीं तो इंडिया में बड़े खतरनाक लोग हैं, ड्रोन के साथ क्या होगा ड्रोन को भी समझ में नहीं आएगा। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। सो दैट इज द थिंग ओवर हियर। थर्ड पार्टी सर्विस रहेगी कि ट्रैफिक मैनेजमेंट कोई और भी हैंडल कर सकता है, गवर्नमेंट को ही हैंडल करना पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। और मोदी साहब के राज में तो एक बात याद रखना, गवर्नमेंट भैया सारी चीजें आउटसोर्स करने के पीछे पड़ी हुई है, ये गवर्नमेंट शायद ही हैंडल करेगा, ये किसी और को दिया जाएगा हैंडल करने के लिए, दैट विल बी द केस ओवर हियर। तो यहाँ पे प्राइवेट का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा होने वाला है कि एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट हमारे पास होता है बस वैसी सिस्टम है जो ड्रोन ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए बनाई जाएगी हमारे देश के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है लास्ट में याद है आपको टाटा AIG ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार्ट की हुई है ड्रोन्स के लिए, अगर ड्रोन का एक्सीडेंट होता है या ड्रोन में कुछ ऊपर नीचे होता है तो उन ड्रोन्स के लिए टाटा AIG ने अपना इंश्योरेंस पॉलिसी भी शुरू किया था। यह न्यूज हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, आपको अच्छे से पता होगी। यस दैट इज द केस ओवर हियर, बाकी तो एज सच यहां पे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ एक पॉइंट है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, ड्रोन्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है जहां पे 120 करोड़ का एलोकेशन किया गया है ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इंडिया में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। PLI के अंदर 13 सेक्टर्स आते हैं, काफी बार बता चुका हूं, इसके अंदर ड्रोन एंड ड्रोन कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग भी आएगा और 120 करोड़ का बजट है जो गवर्नमेंट ने इसके लिए निकाल के रखा हुआ है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट।
नो के टाटा एआईजी दोस्त मेरी इंश्योरेंस कंपनी की बात हो रही है okay, तो टाटा एआईजी जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी है, एलआईसी इंश्योरेंस कंपनी है, वैसे टाटा एआईजी इज द इंश्योरेंस कंपनी जो अलग अलग ड्रोन्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, केवल टाटा को प्रोवाइड करेगा ऐसा किसी ने नहीं कहा भैया, ये टाटा एआईजी का इंश्योरेंस पॉलिसी है जो किसी भी ड्रोन को मिल सकता है, याद रखिए okay, चलो कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन था। यस, अब एक और न्यूज है हमारे पास, कंटेनर बेस्ड मोबाइल हॉस्पिटल्स will be created in India. Now, हमें बताइए हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए कि भैया हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर कौन है, उनका नाम जल्दी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तो हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर ने एक नया कंसेप्ट लॉन्च किया है कि एशिया में पहली बार कंटेनर बेस्ड हॉस्पिटल रहेंगे। कंटेनर बेस्ड वो ना बड़े बड़े कंटेनर होते, उनको काट के एक कंटेनर में एक ना रूम बनाई जाएगी के okay, अब एक कंटेनर फॉर एग्जांपल सपोज कोई आईसीयू के कंडीशन में, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, उनको एक शहर से दूसरे शहर लेके जाना है तो उनको कंटेनर में रखेंगे जहां पे सारी सुविधाएं रहेगी, जिसके अंदर डॉक्टर नर्स भी रहेंगे, सारी सुविधाएं। उस कंटेनर को उठा के हम रेलवे में रख सकते हैं और रेलवे से ट्रैवल करके लेके जाएंगे, उस कंटेनर को एयर के थ्रू लिफ्ट किया जाएगा और उनको लेके जाएंगे ताकि पेशेंट को दिक्कत ना हो, पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो। तो कंटेनर बेस्ड मोबाइल हॉस्पिटल, मोबाइल का मतलब है जो मूवेबल है, ऐसे हॉस्पिटल क्रिएट करने की बात हो रही है और मनसुख मंदिया साहब ने इसका अनाउंसमेंट किया। तो इमरजेंसी कंडीशंस जब आती है, इमरजेंसी प्रॉब्लम्स जब आती है, सो वी कैन क्रिएट सच काइंड ऑफ हॉस्पिटल। चलो कोविड 19 की बात करेंगे, याद है कोविड 19 के टाइम पे हमारे रेलवे मिनिस्ट्री ने रेलवे के बोगियों में क्वारंटाइन रूम क्रिएट की थी, याद है वो क्वारंटाइन रूम क्रिएट की गई थी। सपोज आपको आईसीयू क्रिएट करने है तो रेलवे के ऊपर आप कंटेनर रखिए, कंटेनर्स को काट के वहां पे आईसीयू क्रिएट कर सकते हैं। इतना बेहतरीन सा कंसेप्ट है जो यहाँ पे स्टार्ट करने की बात मनसुख मंदिया साहब ने की हुई है। सो एशिया का पहला कंट्री जो कंटेनर बेस्ड मोबाइल हॉस्पिटल क्रिएट कर रहा है और वो कंट्री है इंडिया। तो भाई हम भी किसी से कम नहीं है, नो डाउट अबाउट दैट। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 64,000 करोड़ का प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च किया। आपको पता होगा कि जिसको हम लोग प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना भी कहते हैं, उसी योजना के अंदर यह क्रिएट करने की बात मनसुख मंदिया साहब ने की है। सिंपल सा न्यूज है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा न्यूज है, बस कंटेनर बेस्ड मोबाइल हॉस्पिटल ये कंसेप्ट याद रखिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, तो दिक्कत हो सकती है आपके एग्जाम के लिए। के टेंट नहीं, देखिए आपने वो बड़े बड़े कंटेनर देखे जहां पे हम सामान का लाना ले जाना करते हैं, बस उस तरीके से वो कंटेनर्स रहेंगे जिसके अंदर ये क्रिटिकल केयर की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए ये अवेलेबल रहेगा अफोर्डेबल प्राइस में, क्वालिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 64,180 करोड़ का बजट निकाल के रखा है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, बस उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। दैट विल बी इनफ ओवर हियर, ठीक है चलेगा। यस गाइस, इंडिया रैंक्स 9th इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 कंट्रीज इन द क्लाइमेट टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट ओवर द पास्ट 5 ईयर्स। अब ध्यान दीजिए, dealroom.com नाम का एक इंस्टीट्यूट है, इन्होंने एक सर्वे दिया। इस सर्वे क्या कहता है कि पिछले 5 साल में एनवायरमेंट या क्लाइमेट टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस किस कंट्री ने किया। पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2014-15 में, उसके बाद से लेके अभी तक क्लाइमेट को बचाने के लिए किस कंट्री ने कितना पैसा खर्च किया है, किस कंट्री ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो टॉप 10 कंट्रीज के रैंकिंग में इंडिया 9वें पोजीशन पे आता है, अच्छी बात है। मींस क्लाइमेट को बचाने के लिए इंडिया ने काफी एफर्ट्स लिए। 2016 से लेके 2021 तक के सारे फंड यहां पे चेक किए गए कि किस देश ने कितना पैसा खर्च किया। अब देखिए, ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड सिंस पेरिस एग्रीमेंट, 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद से लेके अभी तक क्या क्या इन्वेस्टमेंट हुआ, ये रिपोर्ट यहां पे लंडन बेस्ड dealroom.com, लंडन बेस्ड अथॉरिटी है dealroom.com, इन्होंने ये फंड ये सर्वे दिया हुआ है। देखते हैं टॉप मोस्ट कौन सी कंट्रीज है, विल टॉक अबाउट दोज कंट्रीज ऑल्सो। देखते देखिए, यूएस 48 बिलियन, चाइना 18.6 बिलियन, स्वीडन, यूके, फ्रांस, जर्मनी, कैनेडा, नेदरलैंड, इंडिया 1 बिलियन। यूएस ने 48 बिलियन खर्च किए क्लाइमेट चेंज के लिए, 48 बिलियन
इज नॉट अ जोक. चाइना 18.6 बिलियन, इंडिया भैया हमारे इकोनॉमी के हिसाब से हमने भी काफी खर्चा कर लिया, 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है इंडिया का क्लाइमेट चेंज के लिए. हमें और जरूरत है, जिस तरीके से इंडिया में एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है और जिस तरीके से हम एयर पोल्यूशन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है. जब भी इंडिया में एयर पोल्यूशन की बात होती है ना, जनता बड़ी रिलीजियस बन जाती है, रिलीजन की बड़ी आन पड़ती है उनको. भैया जान है तो जहान है, ये कब समझेंगे हमारे देश वाले पता नहीं. कुछ लोग है ऐसे, 10% लोग है, 90% लोग समझते हैं, पर 10% लोग है जिनको हर जगह पे काड़ी करने की बड़ी आदत होती है, जिनको टीआरपी कमाने की बड़ी आदत होती है. तो इंडिया भी वही कहता है, गवर्नमेंट भी वही कहता है कि भैया ठीक है, पहले जान को बचा लीजिए, पहले जान को सेफ कर लीजिए, बाद में त्योहार आते रहेंगे, एंजॉयमेंट चलती रहेगी, नो डाउट अबाउट दैट. तो वही यहां पे बात हो रही है कि 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है जो इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट ने किया हुआ है क्लाइमेट से बचने के लिए. तो जो गवर्नमेंट एफर्ट्स ले रही है, उम्मीद करते हैं कि कॉमन जनता भी उनके एफर्ट्स को मदद करे और देश को थोड़ा सा एयर पोल्यूशन से मुक्त करे. और इसीलिए डील रूम का यह सर्वे यूएस सबसे टॉप में आ रहा है और इंडिया का रैंक 9th है, याद रखिएगा. चलो यस, नेक्स्ट वन के ऊपर जाते हैं. या ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हैज टाइड HDFC लिमिटेड टू द होम लोन्स नियरली 4.7 करोड़ टू द IPPB कस्टमर. देखिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, कोई भी पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकती, ये आप सबको पता है. कि जिनको नहीं पता होगा एक बार दिमाग में डाल दीजिए, पेमेंट बैंक जो होती है वो किसी को लोन नहीं दे सकती. पेमेंट बैंक ये मनी ट्रांसफर के लिए बनाई गई है. तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, ये जितने भी पेमेंट बैंक से मैंने नाम लिए, ये केवल मनी ट्रांसफर करने के लिए बनाए गए. इन बैंकों में 2 लाख तक का अकाउंट आप लोग ओपन कर सकते हो, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, 2 लाख तक का इन बैंकों में ओपन करने का परमिशन है. अभी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने HDFC के साथ टाइप कर लिया. तो अगर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के किसी कस्टमर को होम लोन चाहिए तो HDFC उनको होम लोन प्रोवाइड करेगी. ये ऐसे एग्रीमेंट्स बहुत बार होते हैं, जैसे एयरटेल मनी का एग्रीमेंट कोटक महिंद्रा के साथ है, जियो का एग्रीमेंट SBI के साथ है. तो ऐसे एग्रीमेंट बहुत बार हमारी पेमेंट बैंक साइन कर सकती है, जहां पे उनके कस्टमर को अगर लोन चाहिए तो कोई और बैंक, कोई और इंस्टीट्यूट उनको लोन प्रोवाइड करेगी. और ये पॉइंट यहां पे आता है, यस, जय वेंकटरामु साहब है जो फिलहाल इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के हेड है, इंचार्ज है. नचिकेत मोर कमिटी के कहने पे हमने पेमेंट बैंक्स इंडिया में क्रिएट की थी, ये आप सबको पता होगा. नचिकेत मोर साहब याद रखना, उनके नाम के ऊपर भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया, काफी सक्सेसफुल है और काफी अच्छे तरीके से इंडिया के दूर दराज के एरिया में मनी ट्रांसफर के लिए इस बैंक ने काफी मदद की हुई है. यस, HDFC शशिधर जगदीशन साहब HDFC के हेड है, इंचार्ज है, ये भी आप लोगों को अच्छे से पता होगा. और इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक में HDFC का नाम आता है. अब ध्यान दीजिए, प्राइवेट सेक्टर लेंडर ICICI बैंक क्रॉस द मार्केट कैपिटल एंड बिकम द 5th लार्जेस्ट कंपनी विद द मार्केट वैल्यू. याद है आपको IRCTC का न्यूज देखा था, जब IRCTC ने 1 लाख करोड़ का मार्केट वैल्यूएशन क्रॉस किया था, IRCTC का याद होगा. मार्केट वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, शेयर मार्केट में आपके कितने शेयर्स बिक रहे, मींस आपके शेयर्स कितने हैं, वॉल्यूम कितना है और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट कैपिटल आएगा. अब ICICI का मार्केट कैपिटल ये पूरे इंडिया का 5th लार्जेस्ट मार्केट कैपिटल बन चुका है. कितना है देखते एक बार, उसके ऊपर बात करते हैं. देखिए देयर मार्केट कैपिटल इज 5.83 लाख करोड़ इज द मार्केट कैपिटल ऑफ ICICI बैंक. हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़ दिया, अब टॉप 5 में ICICI का नाम आ गया. सबसे ऊपर रिलायंस है, 16 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटल ये रिलायंस का है. 16 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटल रिलायंस का है. देखिए इस पूरे यादी में एक बैंक है HDFC जो यहां पे आती है. HDFC का मार्केट कैपिटल काफी स्ट्रांग है. अभी उसके बाद ICICI का नंबर आ चुका है, ये भी मार्केट कैपिटल में उस रेंज में आ चुकी है. देखिए टॉप मोस्ट कंपनीज के नाम देख लेते हैं जो सबसे ऊपर है. जैसे हमने बात की रिलायंस है, के इंफोसिस है, HDFC है, TCS है, इसके बाद अभी यहां पे आएगा ICICI बैंक. रिलायंस सबसे टॉप में रिलायंस है, के बाद में TCS का नाम आएगा, बाद में HDFC का नाम आएगा, बाद में इंफोसिस का नाम आता है और बाद में ICICI बैंक है. अभी 5th लार्जेस्ट मार्केट कैपिटल का मतलब क्या होता है कि शेयर मार्केट में कितने शेयर बिक रहे हैं और एक शेयर की फिलहाल वैल्यू कितनी है. वैल्यू इनकी 5
लाख कम से कम 6 लाख करोड़ के आसपास जा चुकी है। शेयर मार्केट में इनकी वैल्यू बढ़ गई, जितनी वैल्यू बढ़ेगी उतना मार्केट कैपिटल बढ़ेगा एंड दैट्स अमेजिंग न्यूज ओवर हियर। सो यस, टॉप में रिलायंस आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एचडीएफसी फिलहाल हमारे इंडियन मार्केट में सबसे टॉप में चल रही है, काफी बेहतरीन बिजनेस एचडीएफसी का चल रहा है, याद रखिएगा। चलो, केवी कामत साहब, ये भाई साहब बड़े फेमस है, केवी कामत। केवी कामत आईसीआईसीआई के फाउंडिंग चेयरमैन है, आईसीआईसीआई बैंक 13 साल आईसीआईसीआई बैंक को इस मुकाम पे ले जाने के लिए पसीना बहाया हुआ है केवी कामत साहब ने। उसके बाद वो एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, आपको बताओगी जो ब्रिक्स की बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसके भी ये हेड हुआ करते थे और अभी इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डीएफआई का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसका नाम है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ध्यान दीजिएगा, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसका नया चेयरमैन केवी कामत साहब को गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया। ये थोड़ा डिफिकल्ट बन सकता है, पर जिनका बैंकिंग का एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम है, उनके लिए क्वेश्चन आ जाएगा कि केवी कामत साहब को रिसेंटली किसका चेयरमैन बनाया, तो इनको बनाया नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, एक नई अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट कर रही है, उसके चेयरमैन केवी कामत साहब रहेंगे। डीएफआई का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट कैन बी एनीथिंग, ये एक कंसेप्ट है, डीएफआई एक कंसेप्ट है। कौन सा डीएफआई क्रिएट किया, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये नया डीएफआई क्रिएट किया गया और इस डीएफआई के चेयरमैन अभी केवी कामत साहब को यहां पे अपॉइंट किया गया, ध्यान रखिएगा। ये आईसीआईसीआई बैंक के फाउंडिंग चेयरमैन है, 13 साल तक वहां पे काम किया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक के भी पहले प्रेसिडेंट ये केवी कामत साहब ही थे, काफी अच्छे से न्यू डेवलपमेंट बैंक ने काम किया और अभी ये यहां पे हमारे डीएफआई को हेड करेंगे। चलो, ये बहुत बड़ी न्यूज आपको बताऊंगा, पेगासस, पेगासस का बहुत बड़ा इश्यू हुआ था। पेगासस में गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम लगा था कि इंडिया के कुछ लोगों के ऊपर स्पाइंग की जा रही है, उनकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है। कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा निर्णय दिया कि आप हमेशा नेशनल सिक्योरिटी का नाम देके लोगों के ऊपर स्पाई नहीं कर सकते, लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते। बार बार गवर्नमेंट कहता है नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी। कल सुप्रीम कोर्ट ने खरी खोटी सुना दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और बोल दिया कि भैया हमेशा नेशनल सिक्योरिटी का नाम देके आप लोगों के ऊपर स्पाई नहीं कर सकते। ये पेगासस क्या है, पेगासस नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो इजराइल ने क्रिएट किया था। ये सॉफ्टवेयर नॉर्मली लोगों के ऊपर वॉच रखने के लिए यूज किया जाता है, तो इंडिया के 40 जर्नलिस्ट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेस, इनके ऊपर वॉच रखने के लिए पेगासस का यूज किया गया, ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई थी। उसके बाद कोर्ट में केस चली गई, गवर्नमेंट ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी थी तो हमने उसको यूज किया, पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का नाम देके आप ये यूज नहीं कर सकते हो। एक और, पेगासस इजराइल की तरफ से आया, तो पेगासस जिस कंपनी ने क्रिएट किया, वो कंपनी ये कहती है कि पेगासस सॉफ्टवेयर केवल हमने गवर्नमेंट को बेचा है, किसी प्राइवेट को नहीं बेचा है, केवल गवर्नमेंट। अगर इंडिया में पेगासस यूज किया गया, इसका मतलब किसने यूज किया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है। उसका आंसर सबको पता है पर कोई बोलने के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज है भाई एक डर तो लगता है। पर आपको पता है ये सॉफ्टवेयर कितने का आता है, $6,50,000 का एक सॉफ्टवेयर आता है, 6,50,000 का सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर को हैंडल करने के लिए $3,50,000 लगते हैं। सोचो, कम से कम यहां पे $10,00,000 ये केवल इस सॉफ्टवेयर के लिए खर्च किए गए और ये सॉफ्टवेयर हमारे बेच के जनता के ऊपर वॉच रखने के लिए उनके फोन टैप किए गए, उनके मैसेजेस पढ़े गए एंड दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी बनाई है। कमिटी के ऊपर आते जो एग्जाम का क्वेश्चन है, जस्टिस आरवी रविंद्रन कमिटी बनाई गई है, जस्टिस आरवी रविंद्रन, उनके साथ और दो लोग काम करेंगे, आलोक जोशी और संदीप ओबराय, संदीप ओबराय, आलोक जोशी एंड जस्टिस आरवी रविंद्रन, ये तीन लोग अभी इस कमिटी के अंदर काम करेंगे। एग्जैक्टली क्या हुआ, किस तरीके से काम किया गया, ये सब कुछ चेक किया जाएगा। अब इन तीन लोगों के कमिटी को एक टीम की टेक्निकल टीम मदद करेगी, नवीन कुमार चौधरी, देन प्रभारण पी एंड अश्विन अनिल गुमास्ते, ये तीन लोग हैं जो टेक्निकल तरीके से मदद करेंगे। गुमास्ते साहब आईआईटी बॉम्बे से बिलोंग करते, प्रभारण पी ये केरला के अमृता विश्वविद्यापीठम से बिलोंग करते एंड नवीन कुमार चौधरी ये साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक के डीन है। के ये तीन लोग टेक्निकल तरीके से मदद करेंगे और पूरे कमिटी को हेड कर रहे
जस्टिस आरबी रविंद्रन, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पेगासस को एग्जामिन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी का गठन किया हुआ है और जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ, याद रखिए जो हमारे लिए मैटर करेगा। ओके, बाकी चीजों को साइड में रखिए, इसकी तरफ ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ओके, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के बाद थोड़ा सा चीजें चेंज हो चुकी है। चलो आगे बढ़ते, ESCPM, ESC कॉलेज इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, मेरे ख्याल से न्यूज आपको थोड़ी सी ब्लर सी दिख रही होगी, मैं आपको न्यूज एक्सप्लेन करता हूं। ESCPM का मतलब है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर साहब को इकोनॉमिकल एंगल में एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल काम करती है, उस काउंसिल के हेड है विवेक देबरॉय, उस काउंसिल के हेड है विवेक देबरॉय साहब। अब इस काउंसिल के अंदर कुछ लोगों को ऐड किया गया है, के उसमें से रेखा मोहन, टीटी राम मोहन और पूनम गुप्ता, के सॉरी राकेश मोहन, वेरी सॉरी नॉट रेखा मोहन, राकेश मोहन, टीटी राम मोहन और पूनम गुप्ता, इन तीन लोगों को इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अंदर ऐड किया गया है। ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन बनेगा। अगेन, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ये कोई कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, ये पीएम साहब ने बनाई हुई अथॉरिटी है कि उनको इकोनॉमिक एंगल में एडवाइस करने के लिए एक कमिटी काम करेगी जिसके हेड है विवेक देबरॉय, जहां पे राकेश मेनन के टीटी राम मोहन, राकेश मोहन टीटी राम मोहन और पूनम गुप्ता, इन तीनों को इंक्लूड किया गया है, एंड दैट इज अ न्यूज फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। चलो इतना एक पॉइंट याद रखिएगा। यस, फंडामेंटल राइट्स की तो बात की जाएगी, फंडामेंटल राइट्स के एंगल में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यह कमिटी यहां पर काम करेगी, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स किसी के भी हैम्पर नहीं कर सकते। चलो बात करते हैं, आरबीआई ने बलदेव प्रकाश साहब को जम्मू कश्मीर बैंक का एमडी सीईओ अपॉइंट कर दिया, जम्मू कश्मीर बैंक के। जम्मू कश्मीर बैंक में अभी तक राकेश छिब्बर साहब थे जो जम्मू कश्मीर बैंक को हेड कर रहे थे, अभी जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी सीईओ यहां पे बलदेव प्रकाश साहब को गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया, आरबीआई ने इनके अपॉइंटमेंट को ग्रीन सिग्नल दे दिया। जम्मू कश्मीर बैंक 1938 में क्रिएट की गई थी और राकेश छिब्बर साहब अभी फिलहाल इस बैंक के हेड थे, इस बैंक के इंचार्ज थे, और अभी यहां पे बलदेव प्रकाश जी को अपॉइंट किया गया नए एमडी सीईओ की पोस्ट पे, याद रखिएगा। सिंपल सा न्यूज है, दैट विल बी इनफ फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यस गाइस, फ्लिपकार्ट ने यूएस बेस्ड स्नैप इंक के साथ टाइप किया, स्नैप इंक, ये स्नैप इंडस्ट्रीज, ये यूएस बेस्ड इंडस्ट्री है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, फोटोज जैसे इंस्टाग्राम है वैसे स्नैपिंग काम करता है, स्नैपचैट पता है आपको, स्नैपचैट इंस्टाग्राम, वैसे ही स्नैपिंग काम करता है। अभी फ्लिपकार्ट का स्नैपिंग के साथ टाइप हुआ है, इसका मतलब है फ्लिपकार्ट में एक नया फीचर आने वाला है, फोटोज खींच के भी आप शॉपिंग कर सकते हो, फोटोज क्लिक करके भी आप शॉपिंग कर पाओगे, ऐसा फीचर बहुत जल्दी फ्लिपकार्ट इंट्रोड्यूस करने वाली है। तो इसीलिए स्नैपिंग, यूएस बेस्ड कंपनी जो सोशल मीडिया पे काम करती है फोटोज के एंगल में, उनका यहां पे फ्लिपकार्ट के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ। सिंपल सा न्यूज है, पर एक क्वेश्चन ऐसे बहुत बार पूछ लेते हैं, फ्लिपकार्ट इज ओन्ड बाय वॉलमार्ट, वॉलमार्ट भी यूएस बेस्ड कंपनी है, वो फ्लिपकार्ट की करता धरता है, ये सबको पता होगा, और इन्होंने स्नैपिंग के साथ यहां पे टाइप किया हुआ है। यस गाइस, वेटरन गांधीयन लीडर सलेम नजुद्दीन सुब्बा राव, इनका रिसेंटली देहांत हो गया। ओके, नाउ नजुद्दीन सुब्बा राव ये वैसे बिलोंग करते थे कर्नाटका से, बेंगलुरु से नॉर्मली बिलोंग करते थे, और इनका रिसेंटली देहांत हो गया, गांधीवादी नेता थे, काफी अवार्ड से इनको नवाजा गया, काफी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था, अब इनका रिसेंटली देहांत हो गया, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सलेम नजुद्दीन सुब्बा राव, याद रखेगा नाम के। नाउ श्रमदान मूवमेंट जो थी, इस श्रमदान मूवमेंट में इन्होंने काफी बड़ा रोल प्ले किया था, भूदान श्रमदान ये सारी मूवमेंट एक ही साथ शुरू हुई थी, जयप्रकाश नारायण साहब का नाम देखा था विनोद भावे साहब का भूदान मूवमेंट में, श्रमदान मूवमेंट के अंदर इनका नाम बड़ा फेमस है, ही डिड अ वेरी गुड जॉब, 13 साल की उम्र में के देश के फ्रीडम स्ट्रगल में इनको जेल जाना पड़ा था, उसके बाद गांधीवादी मूवमेंट्स में काफी बेहतरीन रोल प्ले किया है, स्पेशली साउथ इंडिया में इनका रोल काफी सराहा जाता है, काफी अवार्ड से भी इनको नवाजा गया, महात्मा गांधी सेवा अवार्ड, शांति दूत इंटरनेशनल अवार्ड, अनुव्रत अहिंसा अवार्ड जैसे बहुत सारे अवार्ड है जो इनको प्रोवाइड किए गए थे। इनके अवार्ड की एक लिस्ट है जो यहाँ पे डाल के रखी हुई है, आप देख सकते हो जो जो अवार्ड इनको मिले थे, सारे अवार्ड की लिस्ट यहाँ पे है के, तो एक बार आप इससे गो थ्रू कर लीजिएगा, सारे अवार्ड यहाँ पे मेंशन किए गए, पर एक गांधीवादी लीडर थे और जिनका अभी रिसेंटली ड्यू टू ओल्ड एज देहांत हो गया। यस गाइस, लास्ट न्यूज की तरफ आते हैं, 11 इंडिया के प्लेयर्स है जिनको नॉमिनेट किया गया है हमारे
खेल रत्न पुरस्कार के लिए। यस गाइस, खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज हो गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। अब इसके लिए 11 एथलीट को नॉमिनेट किया गया है। नीरज चोपड़ा, सुनील छेत्री, पीआर श्रीजेश, लोविनीना बोरगोहेन, रवि कुमार दहिया, मिथाली राज, देन प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, सुमित अंटिल, अवनी लेखारा एंड एम नरवाल। सो यहाँ पे ये 11 लोग नॉमिनेट किए गए। इस बार का नॉमिनेशन है, इस बार के नाम थोड़े लेट आए। लेट आने का रीजन ये बिकॉज पैरा ओलंपिक्स के बाद नाम दिए जाएंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। और फाइनली 11 लोगों के नाम है, जो अभी 11 लोगों को नॉमिनेट किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर खेल रत्न पुरस्कार। ये आपको पता होगा कि चलो अब एक और चार यस, ध्यानचंद साहब के नाम पे अवार्ड दिया गया। अभी सुनील छेत्री, ये दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट गोल स्कोरर, ये आपको पता होगा। मिताली राज के, जो वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इंडिया की, और पहली बार किसी क्रिकेट से किसी महिला का नाम यहाँ पे नॉमिनेट हुआ है, तो एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे। ओके यस गाइस, लास्ट ईयर खेल रत्न पुरस्कार किस किस को मिला था उनके नाम मुझे बताइए। लास्ट ईयर खेल रत्न पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया था, उन 5 के नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दीजिए, देखते कितने लोग उसका आंसर करते। लास्ट ईयर 5 लोग थे, यस कोई बताएगा, बराबर बताइए कि कौन से 5 लोग हैं। यस देखिए, ध्यान दीजिएगा, विनिशा फोगत, विनिशा फोगत की बात की जाएगी, देन मरेपन तंगवेदु, देन रानी रामपाल, देन मनिका बत्रा एंड रोहित शर्मा, इन लोगों को लास्ट ईयर अवार्ड दिए गए थे। तो विनिशा फोगाट के, मरियप्पन थंगवेलु, देन रानी रामपाल हॉकी से बिलोंग करती है, मनिका बत्रा एंड देन रोहित शर्मा, ये 5 लोग हैं जिनको लास्ट टाइम खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। इस बार 11 लोगों के नाम नॉमिनेट किए गए हैं, तो इन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है गाइस। चलो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, बिकॉज आज थोड़ी सी न्यूज ज्यादा थी, थोड़ी न्यूज ज्यादा कवर करनी थी हमें, तो मेरे ख्याल से आपको वो समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं, मिलेंगे बाय द वे 11 बजे एक और लेक्चर है, जहाँ पे लास्ट 3 मंथ्स के नेशनल न्यूज के एमसीक्यूज के ऊपर हम बात करने वाले, लास्ट 3 मंथ्स, तो एक बार रिविजन हो जाएगी। तो लास्ट 3 मंथ्स में कौन सी इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज थी, वो अभी 11 बजे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं वापस एक बार 11 बजे उस न्यूज के एमसीक्यूज को डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा। बाय गाइज़।